हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर प्लासमिड्स, मतलब प्लासमिड्स के लिए हमें कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो ए ने बोला है कि प्लासमिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर, बी इज दीज आर फाउंड इन वायरसेस, डी सी ने बोला है प्लासमिड कंटेन जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, और डी है दे आर मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन दैट विल बी प्लासमिड्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लास्मिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करते हैं प्लास्मिड्स को, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर बेसिकली ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्रेजेंट। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्लाज्मिड्स को एज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नाउ इनके फर्दर फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि दे आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज वेल एज सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोमल डीएनए से थोड़ा सेपरेट रहते हैं, एंड दे आर वाइडली यूज्ड एज वेक्टर्स, वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। सो अगर वेक्टर्स की तरह ये यूज होते हैं सो हम लोग बोल सकते हैं कि जीन उनमें ट्रांसफर होता है, दैट इज द रीजन ए जो है हमारा वो ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ बी की बात करते हैं, बी में बोला है कि दीज आर फाउंड इन वायरसेस, तो हमारा ये जो बी है दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? Because plasmids are typically found in bacteria. ये bacteria में मिलते हैं and not in viruses, जैसे कि statement में लिखा है। तो B हमारा incorrect statement हो गया है, because they are sometimes found in archaea and eukaryotic organisms also, but viruses में बिल्कुल नहीं मिलते। C की बात करें तो C में हमें दिया गया plasmids contain gene for vital activities. So ये जो है हमारा C, that is also incorrect. क्यों incorrect है? Because plasmids generally क्या करते हैं? दे कैरी जीन्स, वो जीन्स कैरी करते हैं विच आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ होस्ट सेल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन ये एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दैट ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बट ये होस्ट सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन द जीन्स फॉर वाइटल सेलुलर एक्टिविटीज वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मेन क्रोमोजोम, मेन क्रोमोजोम में प्रेजेंट रहते हैं। ये प्लास्मिड्स तो जस्ट एक एक्स्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, बट दे आर नॉट द वाइटल एक्टिविटी, नॉट यूज फॉर वाइटल एक्टिविटीज, इसलिए स्टेटमेंट सी हमारा इनकरेक्ट है। नाउ डी की बात करें तो डी में हमारा क्या दिया हुआ है? उसमें दिया है कि दीज आर मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स, सो डी जो है हमारा दैट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज ये जो प्लास्मिड्स है दे आर सेपरेट from the chromosomal DNA, chromosomal DNA से ये सेपरेट अलग होते हैं, तो इसीलिए ये मेन पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स नहीं होते। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमारा ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।